हाँ जी, हे गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल. दिस इज विवेक वाही एंड यू आर वॉचिंग वाही व्लॉग्स. सो आई एम बैक विथ अ न्यू व्लॉग. आप लोगों को तो पता चल गया होगा, अगर मैं व्लॉग बना रहा हूँ एंड मेरा व्लॉग आया तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ संडे प्लान किया होगा. यस, ये संडे भी हमने कुछ प्लान किया है. दिस संडे कुछ अलग होने वाला है, मतलब कि ऐसा कुछ होने वाला है अब एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे. मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. हुआ ये, मैं अपने दोस्तों को पूछ रहा था, चलो ये संडे कहीं और प्लान करते हैं, कहीं और जाते हैं. दे वर लाइक, क्यों ना कहीं एक वाटरफॉल जाए. आई वॉज लाइक, अंडमान में है वाटरफॉल, एक मैं विजिट किया था, वहाँ का मैंने व्लॉग भी किया था बट दिखा नहीं सकता था जस्ट बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट एरिया था, तो मैं वहाँ व्लॉग नहीं कर सकता था. मतलब व्लॉग मैंने किया था बट लाइक उसको अपलोड नहीं कर सकता था. तो ये दूसरा वाटरफॉल है, मैं यहाँ पहले कभी नहीं गया, यहाँ मेरा फर्स्ट टाइम विजिट है. मेरे दोस्तों ने कहा चलो जाते हैं, देखते हैं कैसा है ये जगह, कैसा है वो प्लेस. तो आई वॉज लाइक वेरी एक्साइटेड. संडे घर बैठे हैं, बोर होते हैं, उसे बेटर है कि घूम के आते हैं. एंड लाइक ये ऐसा वाटरफॉल नहीं है कि लाइक यहाँ पब्लिक आती जाती है, ये लाइक बहुत कोने कुप्चे में कहीं एक वाटरफॉल है. एंड लाइक ये उतने पर्सन्स को नोन नहीं है, मतलब बहुत कमती लोग इसके बारे में जानते हैं. मेरे दोस्त लकी ऑफ देम, दे न्यू अबाउट दैट प्लेस, सो उसका फ़ायदा मुझे भी हुआ. मैं भी जाऊँगा वो जगह को, देखूँगा कि कैसा है वो जगह वगैरह वगैरह एंड एवरीथिंग. तो चलिए देखते हैं कैसा होगा ये हिडन वाटरफॉल. लड़का भी रेडी है. बाय बाय बाय. तो आज हम जाएंगे अपनी, ठीक है. हेलो, हाँ भैया, भैया बोलिए, निकलते हैं भैया, गाड़ी में बैठते हैं. कहाँ में आप? ठीक है ठीक है, माता वहाँ, ठीक है भैया, ओके. भैया का कॉल आ गया था, लक्ष्मण भैया, उन्होंने कहा है कि उन्हें पिक करने जाना है, तो चलो भैया को पिक करते हैं. बाय द वे मैंने इसे कोल्ड स्टार्ट सुबह कर दिया था बट स्टिल फिर भी सुबह किक मार के ही स्टार्ट करते हैं. ओह यस, अरे. और भैया गुड मॉर्निंग, आओ बैठो बैठो. हाँ अजीश लोग पहुंच गए ना वहाँ? चलो ठीक है. और क्या, पहुंच गए चाटम जट्टी. अब देखते हैं यहाँ बोट अवेलेबल है, अवेलेबल तो होगा, कब होगा कैसा होगा थोड़ा वो चीज़ का रूटीन देखना है. अरे यहाँ भी रोड रास्ते सब खराब है. अरे ब्रेकर. चलो फाइनली पहुंच गए. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. और भाई गुड मॉर्निंग, कैसा सब ठीक भाई? बाकी लोग दिखाई नहीं देते. पार्टी दिन 3:30 बजे घर आया, वो भी नहीं आ पाएगा. हाँ लड़का वेट कर वहाँ, मतलब बम्बू फ्लैट पे. टोटल 9 जन क्रेजी नहीं आएगा, क्रेजी मिलने आएगा. हटो भैया, टिकट ले लिए? हाँ. सो देयर इज़ अ टिकट काउंटर, वहाँ जाके आप टिकट ले सकते हैं. बट हमने तो टिकट ले लिया है, अजीश ने टिकट ले लिया. एंड लाइक अभी टाइम कितना हो रहा है? हाँ देख सकते हैं टाइम 9:45 हो रहा है. तो लेट्स सी, देखते हैं बोट आएगा, बोट पे चढ़ के जाएंगे. और गाड़ी हम लोग यहाँ पार्क कर चुके हैं. टास्क फेरी में जाना. एंड आज बेला को लेके आया है. हाँ देखते हैं कैसा होता है. अभी फ़िलहाल कार जा रहे हैं, शायद कार जाने के बाद लाइक टू व्हीलर्स को अलाउ करेगा. सारे कार जा रहे हैं अभी. कम ऑन, चलो चलो हो जाएगा. भाई मैं तो यहीं पार्क कर देने वाला हूँ. उधर कहाँ से लाएगा भाई, हम घुसाते हैं यहाँ.
भाई हम घुमा नहीं सकेगा भाई इसको, आराम से उतारेंगे लास्ट में। वेल तो अभी हम लोग ऐसा अंदर जगह में आ गए हैं, यहाँ के बैठे हैं एंड एज यू कैन सी यहाँ इतने सारे सीट्स हैं एंड बोट अभी तक यहाँ से हार्बर से निकला भी नहीं है, अभी ये बस खड़ा ही है। तो अभी हम लोग सब लोग यहाँ बैठे हैं, वेट करते हैं बोट का छूटने का। मैम तो फाइनली वी हैव रीच्ड बम्बू फ्लैट एंड लाइक मौसम आप देख सकते हैं थोड़े से बादल वहाँ काले हो रखे हैं, बड़े नहीं हो, मैनेज करते हैं। लगने से बताना। ओह फाइनली गाड़ी घुमा दिया। अरे अभी भाई लोग प्रो हो गए हैं, अब यहाँ से उतरना चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं। अरे हैवी राइडर उतर गए, हम लोग उतर गए, हम लोग उतर गए। क्या हुआ यहाँ रुकना है सीधा? अंकल पूछ रहे थे माउंट एवरेस्ट जाने का रास्ता ले ले। तो अभी यहाँ आए हम लोग सब लोग, यहाँ चार चाय का ऑर्डर किया है एंड अजीश इज़ कॉलिंग रेस्ट ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग यहाँ थोड़ा देर चाय पीते हैं, बाकी लोगों का वेट करते हैं, जब आएंगे सब तब देखा जाएगा, निकलेंगे तो चलिए चलते हैं, छोटा सा शॉप है यहाँ, जाते हैं। भाई यहाँ जोलो चिप्स लेके आए हैं, अभी हम लोग यहाँ जोलो चिप्स ट्राई करने वाले हैं। लाया ये हम लोग का क्रेजी राइड है, ठीक है, एंड अजीश ट्राई करेगा। अजीश कम ऑन भाई, हम ट्राई कर लिया, मेरा बहुत जगह से आग निकल गई है। चलो 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 छोटा जूम, चलो चलो खाओ। शकल तो दिखाओ बे, तेरा रिएक्शन नोट करना, कैसा लगा है तेरे को? झाल है बे। और झाल है। अब पता चलेगा ना, इफेक्ट आस्ते आस्ते निकलेगा। मेरे तो आंसर इस डाले देखो। पानी नहीं बाहर आई है। मेरी बहुत झाल है। ठीक है, इतना होल्ड करने जरूरत नहीं, जाओ पानी पी लो तुम। भाई मैंने भी ट्राई किया जोलो चिप्स, बहुत ही ज़्यादा तीखा था एंड लाइक खाने लायक नहीं था। उसे खाने के बाद मैंने आधा से ज़्यादा जग पानी पी के ख़त्म कर दिया। डोंट ट्राई दिस एट होम, मैं बोल रहा हूँ लिटरली यार, बहुत तीखा है बहुत। भाई ये वाला कितना प्राइस है? दो ना भाई, निकाल दो। कंडीशन ऐसा है कि पानी पी के भी कुछ असर नहीं हो रहा है एंड लाइक मुझे सच में स्वीट्स खाना पड़ रहा है। बहुत तीखा था यार, बहुत ज़्यादा तीखा था। आपका नाम क्या अभी आपका? फ्रेंच बैगेज। सो आपको अगर कुछ भी स्वीट्स लेने हैं तो इनसे यहाँ में आके ले सकते हैं। अभी निकल रहे हैं एंड दो जन और आ गए। चलो ब्रो। और लड़का कैसा फिर? ठीक है क्रेजी, तुम भी मिलो, नेक्स्ट राइड पे आओ भाई कैसे भी करके, ठीक है? चलो ठीक है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं, हम लोग टोटल हम लोग 6 पर्सन लोग हैं एंड 3 गाड़ी है, 2 बाइक एंड 1 स्कूटी। तो चलिए चलते हैं एंड मैं आपको आगे का रास्ता का व्लॉग करके दिखाते रहूँगा।
हियर इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट, हम लोग को जाना है ये तरफ में, कच्चा रास्ते की तरफ में, और यहाँ से ऊपर जाएंगे तो आपको माउंट हेरेट मिलेगा। अगर माउंट हेरेट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिए, यहाँ से ऊपर जाना है माउंट हेरेट। अब ऑफ रोडिंग स्टार्ट होगा। ओ हो, सिंगल जाना है क्या यहाँ से? सिंगल राइड बच्चा लोग, डोंट ट्राई दिस। ओ क्या है कि अपन लोग थोड़ा एक्सपीरियंस राइडर हो गए ना, तो अपन लोग ये सब राइड कर सकते हैं। देखा, बहुत डेंजरस है भाई, देख के जाओ। तुम लोग चिंदी चिंदी गाड़ी लोग उतर जाते, अपन कैसा उतरेगा? कैसा नहीं उतरेगा, उतर के दिखाएगा। ओहो आ गया आ गया आ गया आ गया भाई, बस करो भाई, इससे ज़्यादा ऑफ रोडिंग नहीं। वहाँ से यहाँ तक कीचड़ रास्ता है, इसलिए हम लोग साइड से आए। तो चलो, भले कच्चा रास्ता है लेकिन हम लोग जाएंगे, ऑफ रोडिंग करेंगे। भाई 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 भाई, हमको तो जाने का ही मन नहीं करता है। अरे भाई भाई, फंस जाएगा मेरा गाड़ी इसमें, भाई मैं नहीं लेके जा रहा, हट। ओके वाओ, व्हाट अ व्यू। ओ भाई, घना जंगल। ओके ऐसा ऊपर से जा सकते हैं ना, देखो ये ऊपर से जा सकते हैं, थोड़ा यहीं से जाता हम। फुल मड वाले पैचेस, ओ शिट। हाँ पता है, अरे हो जाएगा, चलो। यस हाँ, अभी इतना बोल बोल के तुम और दिखाते हैं। ओए 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 भाई साहब, वो वॉबल, हम होंगे कामयाब एक दिन। नॉर्थ पे आ गया यार, ये रास्ते ही ख़त्म नहीं होता है, किधर है? यस 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 यस, ओ नो, खतरों के खिलाड़ी। हो गया भाई, हो गया। चढ़ाएगा कैसे इसमें? यस यस यस, रोको, बैठो बैठो बैठो, ऑटो 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 ऑटो। हाँ ये रुको रुको, ये देखो ना, यहाँ ग्रिप है ना, अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। यस हाँ हाँ भाई, गिरे है भाई आज भी, हैशटैग बॉन्ड राइडर। भाई कहाँ कहाँ से रास्ते से लेके आते हैं भाई तुम लोग आओ भाई, चल के आओ। देखो कहाँ से जा रहे हैं, फंसाना। अपन तो भाई शरीफ बच्चा लोगों को जैसा गाड़ियाँ साइड में पार्क कर देगा एंड पैदल जाएगा, सिंपल सा बात बस। ओहो ओहो, निकल गया, पता नहीं होगा। देखो, सो एज यू कैन सी, हमने गाड़ी यहाँ पार्क कर दिया है एंड अब यहाँ से जाना है। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि गाड़ी यहाँ से बिल्कुल आगे जा नहीं सकता, बट उसने कैसे ना कैसे करके अपना ड्यूक पहुँचा दिया है। वो शॉट अगर पॉसिबल होगा तो मैं दिखाऊंगा कि ये रास्ता देख रहे हो यार, ये रास्ता यहाँ से कौन गाड़ी कैसे लेके जा सकते है, बट इसने कर दिखाया है, इसने लाइक एनी हाउ वो ये रास्ता से गाड़ी निकाल दिया है। तो अब 11 नंबर की गाड़ी से जाना है, 11 नंबर मतलब चलता वाला 11 नंबर दिस।
तो अभी ये पैदल चलने हैं पूरे रास्ते एंड हेलमेट छोड़ नहीं सकते, इसलिए एज यू कैन सी आप देख सकते हैं मैंने दोनों हेलमेट यहाँ टंगा दिए हैं। ये हेलमेट टंगाया था ये मेरा है, तो इसे यहाँ हम टंगा के रखा था, बट एक तरफ वेट ज़्यादा हो गया तो दूसरा वाला यहाँ भी टंगा दिया, बस बैलेंस हो गया। और क्या चाहिए, बैलेंस बना बना के चलते रहेंगे। एंड सीनरी देखिए यार, बहुत ही औसम है यहाँ से व्यू। वो देखो ड्यूक वहाँ पार्क है एंड लाइक इतना शांत जंगल है, बहुत ही शांत। एंड लाइक राइडिंग करके हालत ख़राब हो चुकी है, पसीना में डूबा हूँ, अब और चलना है। तो चलिए व्लॉग बनाना है तो इतना तो कुछ करना ही पड़ेगा, आपको आगे भी व्लॉग बना के दिखाता रहूँगा। वाटर क्रॉसिंग तो अभी गाड़ी रोक के हम लोग एटलीस्ट 1 किलोमीटर दूर चले हैं एंड 1 किलोमीटर दूर चलने के बाद हम लोग को क्या एक विचित्र चीज़ देखने को मिला है, दिखाता हूँ। यहाँ से हम लोग आए एंड सी यहाँ इतने पेड़ कटे हुए हैं एंड अब इनके बीच में से होके जाना है के अरे भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, माँ कसम बच गया, बच गया। टेंशन नॉट, हाँ चलो भाई हम भी अपना पैर धो लेते हैं। अरे फ़ायदा तो कुछ है नहीं, आगे जाके और गीला ही होने और कीचड़ कीचड़ होने ही है। वेल दिस इज़ एडवेंचर, अगर आप आ रहे हैं कहीं घूमने जा रहे हैं एंड राइडिंग के साथ ट्रैकिंग भी हो रहा है तो इससे ज़्यादा एडवेंचर्स और क्या हो सकते हैं। हाँ रास्ता भले डिफ़िकल्ट है बट डिफ़िकल्ट रास्तों में जाने का अलग ही मज़ा है। वेल लक्ष्मण भैया अब आप बताओ। फुल्ली टायर्ड हो गया भाई, बहुत एडवेंचर है भाई, बहुत मुसीबत, ऐसे सोचा नहीं था कि इतना दूर है, हम लोग चल रहे हैं चलते ही जा रहे हैं। बिल्कुल सोचा नहीं था कि इतना लंबा चलना है एंड लाइक हालत ख़राब हो गई है बट सही है, चलते हैं। भाई इतना तो चल के तो आए बट समझ नहीं आ रहा है रास्ता का है। ये कोपचा से गुफा दिख रहा है, पत्ती का गुफा बने, इसके अंदर के थ्रू जाना है। सही तो जाते हैं ना हम लोग, सही जा रहे हैं। ओ, 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 ओ। कुछ नहीं हुआ। हाँ डाला था। बात दबा दो, कोई नहीं दिखा। चल झूठा, इसके अंदर से जाना है अभी। जिसका डर था वही हुआ, गलत लोकेशन पहुँच गए। अब क्या वापस अबाउट टर्न घूम के जाना है वापस, जहाँ से रास्ता इंटरसेक्शन होता है वहाँ से दूसरा रास्ता पकड़ना। हाँ बोलेगा इन लोगों को रास्ता पता नहीं है। भाई किसका गलती था भाई, रास्ता पता नहीं है, कौन भटकाया, नाम बताओ जल्दी। सिचुएशन ऐसा है कि हम लोग रास्ता भटक चुके हैं, अब कोई आइडिया नहीं है, अब सीधा हम लोग रिटर्न जा रहे हैं। रिटर्न जाते हैं, देखते हैं कहीं अगर अच्छा नहाने का स्पॉट मिलता है तो वहाँ टाइम स्पेंड करेंगे। चलो लेट्स गो। अभी यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ मिला है कि लाइक ये जो झरना से हम लोग आए थे यहाँ क्या है मैं नहीं, इन लोग बताएंगे। बताओ क्या है भैया? झरना में क्या है? सांप है यहाँ। एंड हम लोग के पास पता भी नहीं था, हम लोग अपना मस्त में चल रहे हैं एंड जस्ट अभी उस लड़के ने बताया कि यहाँ सांप है, तो अब देख के चलना पड़ेगा। हाँ जी तो देवी और सज्जनों स्वागत है आपका इस छोटे से ब्यूटीफुल वाटरफॉल पे। भाई लोग
स्टार्टिंग में हम लोग को लगा था कि हम लोग एक्चुअली जगह खो गए हैं, बट थैंक्स टू दैट बॉय जिसका नाम है छोटू, उसने हमें रास्ता वापस नेविगेट किया एंड हम यहाँ आए। एंड लिटरली यार छोटा सा वाटरफॉल है बट बहुत ही सही है। आई नो यहाँ वाटर का बहुत ज़्यादा शोर है बट लाइक मैं ट्राई कर रहा हूँ इसी में व्लॉग करने के लिए, मेरे पास कोई एक्स्ट्रा माइक नहीं है, मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ बट कंटेंट सही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये वाटरफॉल कैसा है, अभी हम लोग यहाँ चिल करेंगे, इन्जॉय करेंगे इन वाटरफॉल, बहुत मज़ा आने वाला है, लेट्स सी। तो फिलहाल मेरी बारी है, अब मैं जाता हूँ, चश्मा क्या रख देते हैं एंड लाइक लेट्स डाइव इनटू इट। क्या ठंडा पानी है एंड बहुत ही सही है, क्या वो पानी बहुत ही ठंडा एंड बहुत ही सही फ्रेश वाटर है, गहरा नहीं है। ओ भाई बहुत ही सही, ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, हमने मैं यहाँ तक खड़ा हो सकता हूँ एंड यू कैन सी वो ठंडे है भाई। ठीक है रे बस रे मत पे और एक डुबकी मारते हैं। पत्थर आ रहा लेकिन बहुत तुम लोग बैठे देखो ऊपर पपन आ रहा है बाहुबली वाला फीलिंग आते रे आते बाहुबली हार पाएंगे यस जूनियर बाहुबली है ना ऐसा वाला निकल चढ़ गया फाइनली अपन ऊपर आ गए हैं बहुत ही गंदा। I've been looking out for somebody just like you but then you walk on by and I knew what I had to do the way you're moving the way you're shining everybody's watching you I wanna make you mine the way you're looking the way you're smiling it's like you put a spell on me you're always on my mind on my mind तो अभी फिलहाल सिचुएशन ये है कि लाइक हम लोग नहा धो के सब ख़त्म हो चुके हैं एंड वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम्स और एज यू कैन सी मेरे पीछे सारे लड़के चल रहे हैं। अब मेन टास्क है यहाँ से लाइक बाइक वहाँ हमने पार्क कर दी थी, अब बाइक में बैठ के वापस ऑफ रोडिंग करके जाना है, वो सबसे बड़ा टास्क है फिलहाल। यार आने में इतनी हालत ख़राब हो गई थी, अब जाने में पता नहीं कैसा होगा, तो चलिए देखते हैं कि आगे का सफ़र कैसा होता है। बाय द वे ट्रिप बहुत ही ऑसम था लाइक एंड हमने अच्छे से नहाया इन्जॉय किया बहुत ही था एंड थोड़ा टाइडनेस भी हो गया और अभी ऑफ रोडिंग भी है मज़ा आएगा। ओ भाई साहब एट द सेमी सबमरीन, मैं उस दिन ये बोट पे भी गया था अंडर वाटर व्यू देखने के लिए, अगर आपको देखना है ये वाला व्लॉग तो ऊपर आई बटन आया रहेगा, प्लीज चेक दैट आउट। राइट नाउ सिचुएशन इज दिस लाइक हम लोग वहाँ से ऑफ रोड करके आए हैं एंड ऑफ रोड करके हम लोग यहाँ एक मेरे दोस्त का जो गैराज है आप देख सकते हैं मेरे पीछे मेरे दोस्त का गैराज है, दिस इज क्रेजी व्हील गैराज का नाम है। तो अभी हम लोग सारे लड़के लोग यहाँ आए हैं अपना बाइक वॉश कराने के एंड मेरी बाइक बहुत ही गंदी हो चुकी है, कीचड़ में लेके गया था एंड लाइक ऑफ रोडिंग करते समय उसका अंजर पंजा ढीला हो गया है एंड इतना गंदा हो गया कि ना ऐसे घर तो नहीं लेके जा सकते, मम्मी गुस्सा करेगी, तो बेटर है यहाँ लेके आए हैं इसके शॉप में वाटर वॉश कराएंगे जो भी है ठीक ठाक कराएंगे फिर घर निकलेंगे बाई फेरी। कंडीशन देखो भाई, हालत देखो, फुल कीचड़ में डूबा पड़ा है, बताओ क्लियर रहेगा।
अपन स्टार्ट करेंगे। आ गया वापस द मेन टास्क। बाय। किधर? मेरे साथ चलो। कितना दूर है तेरा घर? मेरा घर आपको कहाँ छोड़ने हैं? डेयरी फार्म है ना, आओ ना। और लड़का कैसा? बहुत अच्छा से ये राइड कंप्लीट हुआ, हम लोग गए, एंजॉय किए, बहुत ही औसम अच्छा संडे किया है। सो अभी फ़िलहाल ज़्यादा कुछ नहीं, घर जाते हैं, घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। डू फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम एंड आई एम सुपर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। वीडियो अभी तक देखा है तो वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो पता है क्या करना है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज विवेक वाही साइनिंग ऑफ, सायोनारा।